बड़ी खबर इस वक्त की, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी सुसाइड मामले से जुड़ी हुई खबर है कि मामले की जांच के लिए डीआईजी प्रयागराज ने एक एसआईटी का गठन किया है। डिप्टी एसपी अजीत सिंह की अगुवाई में एसआईटी काम करेगी। खबर यह भी है कि नरेंद्र गिरी को 23 सितंबर को भू समाधि दी जाएगी और उससे पहले यानी कल 22 सितंबर को पंच परमेश्वर की एक बैठक होगी जिसमें नए अध्यक्ष का चुनाव होगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर नरेंद्र गिरी से जुड़ी हुई, जिसमें जानकारी ये मिल रही है कि डीआईजी प्रयागराज ने इस मामले में पहल करते हुए इस पूरे मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है। डिप्टी एसपी अजीत सिंह की अगुवाई में एसआईटी काम करेगी और नरेंद्र गिरी को 23 सितंबर को भू समाधि दी जानी है और उससे पहले यानी कल 22 सितंबर को पंच परमेश्वर की एक बैठक होगी जिसमें नए अध्यक्ष का चुनाव होगा। अजीत हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़े हैं। अजीत, इस वक्त की बिग ब्रेकिंग क्या है इस संबंध में? देखिए बिल्कुल प्रीति, एसआईटी तो जांच करेगी, साथ ही एडीजी प्रयागराज जो है उनकी अध्यक्षता में एक जांच हो रही है जिसमें चार बड़े अफसर हैं, उसमें मंडलायुक्त भी हैं, आईजी रेंज भी हैं और जो अखाड़ा परिषद है उन्होंने भी अपनी एक जांच समिति बनाई है जो इसकी इंटरनल जांच करेगी। फिलहाल इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता दें कि कल जो उनकी भू समाधि होनी थी वो कल नहीं होगी और पुलिस ने दो लोगों को और उठाया, यानी छः के बाद अब ये संख्या आठ हो गई है जिन्हें हिरासत में लिया गया है। तीन की गिरफ्तारी की गई और पुलिस लगातार इस मामले में कार्य कर रही है। जो सुसाइड नोट है उसे फोरेंसिक टीम को दे दिया गया है जाँच के लिए कि क्या ये पत्र सुसाइड नोट वाला खुद महान नरेंद्र गिरी ने लिखा था या किसी ने पहले से लिखा हुआ है, और जो दो वीडियो है उसकी भी फोरेंसिक जांच कराई जाएगी कि उन दोनों में कितनी सत्यता है। हालांकि अब जो आनंद गिरी है उनकी मुश्किलें जरूर बढ़ गई क्योंकि दो टीमें क्राइम ब्रांच की पुलिस लाइन प्रयागराज में उनसे पूछताछ कर रही हैं और अब आद्या तिवारी और उनके बेटे संदीप तिवारी को भी पुलिस लाइन ले जाया जाएगा अब से थोड़ी देर में और वहां तीनों को आमने सामने बैठाकर क्रॉस पूछताछ की जाएगी, यानी क्रॉस एग्जामिनेशन होगा कि कितनी बात हुई और क्या बात हुई, जब समझौता हुआ था तो किन मुद्दों पर हुआ था, जो प्रॉपर्टी के मामले हैं वो कैसे हुआ, जो हनुमान मंदिर के विवाद का मामला था या बागमरी मठ का विवाद का मामला था वो किस तरह से उसको उसमें क्या पेच था और कैसे कैसे विवाद धीरे धीरे करके आगे बढ़ा, इन सब को लेकर प्रीति जाँच होगी। लेकिन उससे पहले बता दें कि जो उनका पार्थिव शरीर है अभी भी उनको कमरे से बाहर निकाल कर बड़े हाल में हमारे राइट साइड में वहाँ रख दिया गया है और वहाँ पर अंतिम दर्शन किया जा रहा है। डीप फ्रीजर में ही रखा गया जिससे शरीर में कोई दिक्कत ना आए, खराब ना हो, क्योंकि कल पोस्टमार्टम होना है। कल दिन में लगभग 11 बजे के आसपास पोस्टमार्टम के लिए उनका पार्थिव शरीर जाएगा। पांच डॉक्टरों का पैनल वीडियो रिकॉर्डिंग के सामने ये पूरा पोस्टमार्टम होगा। पोस्टमार्टम के बाद कई सारे तथ्य सामने आएंगे। हालांकि अभी कई सवाल है, जड़ तक इस संदिग्ध मौत पर कई सवाल है जिस पर मैं आगे आपसे जुड़ूंगी और आपको बताते हैं कि इस मामले में अब तक हुआ क्या क्या है। संदिग्ध हालात में हुई मौत के बाद उनके कमरे से 12 पन्नों का सुसाइड लेटर मिला है। सुसाइड नोट में आनंद गिरी का नाम है और इसमें आनंद गिरी पर परेशान करने का आरोप लगाया गया है। कल रात आनंद गिरी हरिद्वार से गिरफ्तार किया गया, उसके अलावा आद्या तिवारी, संदीप तिवारी को भी गिरफ्तार किया गया है, साथ ही छह और लोगों को हिरासत में लिया गया। और इसी बीच सीएम योगी ने बागमबरी मठ पहुंचकर श्रद्धांजलि दी है। सीएम ने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया है। संत समाज ने नरेंद्र गिरी की संदिग्ध हालात में हुई मौत मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। तो इस पूरे मामले में अभी तक क्या हुआ है वो सिलसिलेवार तरीके से आपके सामने है। संदिग्ध हालात में हुई मौत के बाद नरेंद्र गिरी के कमरे से 12 पन्नों का सुसाइड नोट मिला है और इस सुसाइड नोट में ही आनंद गिरी जो कि उनके शिष्य हैं उनका नाम है और इसमें आनंद गिरी पर आरोप है कि उन्होंने मानसिक तौर पर परेशान किया महंत नरेंद्र गिरी को। बड़ी खबर आ रही है अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध हालात में मौत के मामले से जुड़ी हुई। नरेंद्र गिरी के शिष्य आनंद गिरी को हरिद्वार से लेकर पुलिस प्रयागराज पहुंच गई है। आनंद गिरी को पुलिस लाइन में रखा गया है। कल रात पुलिस ने आनंद गिरी को पहले हिरासत में लिया और फिर देर रात एक घंटे की पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। नरेंद्र गिरी के कमरे से जो सुसाइड नोट मिला था उसमें आनंद गिरी का भी नाम था। नरेंद्र गिरी ने अपनी मौत के लिए आनंद गिरी समेत दो और लोगों को जिम्मेदार ठहराया था। अजीत, इस वक्त सबसे बड़ी खबर आनंद गिरी जो कि गिरफ्तार हो चुका है, आद्या तिवारी और संदीप तिवारी हैं, लेकिन इन तीनों शख्स से पूछताछ में क्या क्या बातें सामने आई है और वो कौन सा सुराग है जो इस किस्से को, इस मामले को सुलझाने में मददगार होगा? देखिए पहले तो आपको बता दूं कि आनंद गिरी सबसे बड़ी कड़ी है और सबसे अहम कड़ी है और जो आपने देखा होगा इंदु प्रकाश की बात करें या फिर सुशील मिश्रा की बात करें या एडिशनल एसपी ओपी की पांडे की बात करें, इन सभी से भी प्रयागराज पुलिस पूछताछ करेगी क्योंकि आनंद तिवारी
आद्या तिवारी, आनंद गिरी, आद्या तिवारी और संदीप तिवारी के साथ साथ इंदु प्रकाश तिवारी और सुशील मिश्रा भी इस समझौते की कड़ी में शामिल थे जब महंत नरेंद्र गिरी और आनंद गिरी के बीच में विवाद हुआ था। सुशील मिश्रा ने जरूर ये सफाई दी कि जाँच होगी तो सामने आ जाएगा, जो वो जितनी बात करते थे एक दूसरे से नहीं बताते थे। लेकिन जो सुसाइड नोट उन्होंने प्रीति लिखा उसमें साफ साफ उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि वो कौन से शख्स थे, वो कौन कौन से लोग थे जिनकी वजह से उन्हें मानसिक तौर पर प्रताड़ना मिली थी और वो इस घटना को करने को मजबूर हुई अगर उन्होंने आत्महत्या की। हालांकि उस पर जांच की जा रही है, उस नायलॉन की रस्सी को भी फोरेंसिक टीम ने अपने पास कब्जे में ले लिया, उसकी जांच कराई जा रही है। जो सुसाइड नोट है 12 पन्ने का उसकी जांच कराई जा रही है। लेकिन एक अपडेट और आपको बता दें कि सीएम के निर्देश के बाद प्रयागराज की जो डीआईजी है उन्होंने एक एसआईटी टीम भी डिप्टी एसपी की अध्यक्षता में गठित कर दी है, वो भी एक अलग से जाँच करेगी। एसआईटी टीम अलग से बनाई गई है, क्राइम ब्रांच अलग से जाँच कर रही है, फोरेंसिक टीम अलग से जाँच कर रही है, एडीजी जोन और आईजी रेंज प्रयागराज वो अलग से इस पूरे मामले पर मॉनिटर कर रहे हैं और एसीएस हो मौनीश अवस्थी और एडीजी हेलो प्रशांत कुमार इस पूरे मामले की हर पल की रिपोर्ट लेकर मुख्यमंत्री को अवगत करा रहे हैं। तो इसीलिए सीएम ने यहां कहा था कि साक्ष्य बहुत एकत्रित हो गए हैं, कार्रवाई बाकी है, बचेगा कोई नहीं चाहे जितना बड़ा आदमी हो। तो अभी जो बात बात सीबीआई जांच की बात की जा रही थी, अब एसआईटी का गठन होगा, अब एसआईटी इस पूरी जांच को लेकर आगे बढ़ेगी। फिलहाल अभी इस वक्त आद्या तिवारी और संदीप तिवारी को भी प्रयागराज पुलिस लाइन ले जाया जा रहा है, वहां पर आनंद गिरी पहले से मौजूद है, तीनों को उससे पूछताछ की जाएगी। बताया जा रहा है कि महंत नरेंद्र गिरी का अंतिम संस्कार सनातन धर्म की प्रक्रिया के मुताबिक 23 तारीख को यानी परसों होगा, उससे पहले कल यानी 22 सितंबर को उनके पार्थिव शरीर का पोस्टमार्टम किया जाएगा। और इस बीच महंत नरेंद्र गिरी का अंतिम दर्शन करने के लिए लोग दूर दूर से प्रयागराज के बाघम्बरी मठ पहुंच रहे हैं। अंतिम दर्शन के लिए लोगों की भीड़ यहाँ पर जरूर दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं ड्रीम फ्रीजर में उनके पार्थिव शरीर को रखा गया है, जो उनके भक्त हैं, अनुयायी हैं, वो लगातार उनके अंतिम दर्शन करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। उनसे जो श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है वो तस्वीरें आप देख सकते हैं, लोग श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, उन्हें नम आँखों से विदाई दे रहे हैं। हालाँकि उनका कल पोस्टमार्टम होगा, डॉक्टरों का 5 जो पैनल होगा वो पोस्टमार्टम करेगा, उसके बाद उन्हें सनातन धर्म की परम्परा के हिसाब से भू समाधि दी जाएगी जहाँ पर उनके गुरुजी को दी गई थी। तो पहले कच्छ में रखा गया था, अब इस हाल में लाकर रख दिया गया। और जो लोग हैं आप देख सकते हैं कि वो आ रहे हैं यहाँ पर श्रद्धांजलि उन्हें अर्पित कर रहे हैं, उन्हें पुष्प अर्पित कर रहे हैं और अपनी अंतिम विदाई दे रहे हैं, उन्हें उनके अंतिम दर्शन कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़े संत थे, अखाड़ा परिषद जो 13 अखाड़े होते हैं उसमें ये आते हैं और सबका नेतृत्व करते थे। कभी किसी का कोई मसला होता था ओजस्वी प्रखर वाणी के लिए जाने जाते थे, कभी किसी बात के लिए पीछे नहीं हटते थे और जिससे जितनी बात करनी होती थी उतनी ही करते थे। नरेंद्र गिरी से हम भी बहुत सारे बार मिले हैं, कई बार मुख्यमंत्री के घर पर मिले हैं जहाँ पर मैंने उनका इंटरव्यू भी किया था, लेकिन अपनी वाणी के लिए जाने जाते। लेकिन अब 12 पन्नों की सुसाइड नोट, 3 गिरफ्तारियाँ, लगातार हो रही कार्रवाई कई सारे सवाल खड़े कर रही। प्रयागराज के बागम्बरी मठ में जहां महंत नरेंद्र गिरी की गुरु की समाधि है, ठीक उन्हीं के बगल में महंत नरेंद्र गिरी की समाधि बनाई जाएगी। न्यूज 18 के अजीत सिंह की खबर है कि 23 तारीख को सुबह 11 बजे महंत नरेंद्र गिरी को भू समाधि दी जाएगी। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की मौत के बाद अब उनके पार्थिव शरीर को जनता दर्शन के लिए रख दिया गया है, साथ ही अब उनका कल उनके पार्थिव शरीर का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। ठीक हमारे पीछे उनके गुरुजी की ये समाधि स्थल बनी है जहां आपको भगवान शिव का शिवलिंग नजर आ रहा है और इसी के बगल महंत नरेंद्र गिरी का भी भू समाधि दी जाएगी, यानी उसके बगल उनकी समाधि बनाई जाएगी। यही वो जगह है जिसे चिन्हित किया गया है और कहा जा रहा है कि अपने उनके गुरु के बगल ही उनकी समाधि बनाई जाएगी। हालांकि जो अखाड़ा परिषद उनकी तरफ से कहा गया है कि अब ये भू समाधि 23 तारीख यानी परसों दी जाएगी, उससे पहले पोस्टमार्टम होगा, उससे पहले उनके अंतिम दर्शन के लिए उनके पार्थिव शरीर को हाल में रख दिया गया जहां उनके भक्त उनके अनुयायी उनका अंतिम दर्शन कर रहे हैं और उसके बाद कल डॉक्टरों का एक पैनल उनके पार्थिव शरीर का पोस्टमार्टम करेगा, उसके बाद उनका भू समाधि दी जाएगी, वो भी परसों यानी 23 तारीख को इसी जगह पर उनकी भू समाधि दी जाएगी जहां आप ये देख रहे हैं मार्बल व्हाइट उनके गुरुजी की समाधि है, उसके ठीक बगल लेफ्ट और राइट 2 जगह है जहां पर उनको समाधि दी जाएगी। और इसके लिए उनके जो अनुयायी हैं, भक्त हैं, जो अखाड़ा परिषद के हैं, खुद मुख्यमंत्री ने कहा कि जो सनातन परंपरा है, जो संत परंपरा है, उसके मुताबिक उन्हें यहाँ भू समाधि दी जाएगी। तिथि जरूर बदल गई है, 23 तारीख को उन्हें यहाँ समाधि दी जाएगी। ब्यूरो जर्नलिस्ट अजीत सिंह, न्यूज 18, प्रयागराज, बागम्बरी मठ।